हेलो डियर स्टूडेंट हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास टेंथ साइंस चैप्टर थ्री मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम द एन सी ई आर टी बुक प्रीवियस वीडियोज में हमने देखा कि किस तरह से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके क्या क्या एक्सेप्शन थे देन वी लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे जिसमें हमने डिफरेंट तरह की मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी उनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन उनकी वाटर के साथ रिएक्शन उनकी एसिड के साथ रिएक्शन की किस तरह से वो रिएक्टिविटी शो करती हैं अब हम आगे हम देखते हैं इसी में अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे ये वीडियोस देख सकते हैं आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे आज हम जो देख रहे हैं वो है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट कोई भी मेटल दूसरे मेटल सॉल्यूशन के सॉल्ट के साथ किस तरह से रिएक्शन करती है वो हम देखते हैं है ना टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड एंड आयरन नेल हमको एक कॉपर का वायर लेना है और एक आयरन नेल लेनी है पुट द कॉपर वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड द आयरन नेल इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ टेस्ट ट्यूब रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन आफ्टर ट्वेंटी मिनट्स अब देखिए हमको क्या करना था हमने दो चीजें ली एक ली कॉपर वायर दूसरा लिए आयरन नेल कॉपर वायर को हमने डाला है आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में मतलब एफ ई एस ओ और आयरन को डाला है हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर वायर इन द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड द आयरन नेल कैप्ट इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और दोनों ही कंडीशन में हमको आफ्टर ट्वेंटी मिनट्स रिकॉर्ड नोट डाउन करना है तो हम जब देखेंगे हम ये नोट करेंगे कि जो कॉपर वायर है जो कि आयरन सल्फ़ेट में है इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा है ना हमें क्या दिखाई देगा जैसा सॉल्यूशन था वैसा की वैसा ही दिखाई देगा मतलब नो चेंज बट जो हमने आयरन को कॉपर सल्फ़ेट में डाला था तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर ये जो ब्लू कलर है आफ्टर सम टाइम फेंट होता जाएगा और ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा इट मीन यहाँ पर एक रिएक्शन हुई तो वो रिएक्शन क्या होगी कॉप सॉरी आयरन रिएक्ट विथ कॉपर एफ ई एस एफ ई रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट तो इसमें ये जो है ये आयरन जो है इसे सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो ये हो जाएगा एफ ई एसओ फोर प्लस कॉपर है ना आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो है वो बाहर आ जाए निकल जाएगा मतलब उसको डिस्प्लेस कर देगा और यह डिसप्लेसमेंट क्यों हुआ बिकॉज कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है देन द आयरन के कंपैरिजन में तो कॉपर जब लेस रिएक्टिव है तो वो सॉल्यूशन में से क्या करेगा उसको डिस्प्लेस कर देगा तो जो लेस मोर रिएक्टिव मेटल होती हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को उनके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देती हैं ठीक है ठीके? हमने ये देखा था प्रीवियस सेक्शन में कि जितनी भी मेटल्स हैं दे आर नॉल इक्वली रिएक्टेड, वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होती हैं कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं कुछ कम रिएक्टिव होती हैं ठीक है हमने अलग अलग मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी चेक की थी वाटर के साथ रिएक्टिविटी चेक की थी एंड एसिड्स के साथ रिएक्टिव चेक की थी और हमने ये भी देखा था कि आ, और सभी मेटल्स जो हैं इनके साथ एक जैसी रिएक्शन नहीं करती हैं ठीक है थीके? तो अब हम यदि इन मेटल्स को इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं है ना कि कौन सी आ, मतलब कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और उसके बाद लेस रिएक्टिव होते हुए हम ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो यदि हम देखें एक मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी मेटल ए लिया प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ़ बी लिया तो उस कंडीशन में जो हो जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन ए का बन जाएगा और मेटल बी जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगी किस तरह से हमने क्या लिया था आयरन आयरन की रिएक्शन करवाई कॉपर सल्फेट से तो व्हेन आयरन रिएक्ट विद द कॉपर सल्फेट तो क्या होगा ये मेटल ए है और ये सॉल्ट सॉल्यूशन बी है तो हम क्या बोल रहे हैं सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए मतलब अब बन जाएगा एफ ई एस ओ फोर है ना ये क्या है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ़ मेटल ए प्लस मेटल बी जो है मेटल बी क्या है कॉपर कॉपर जो है यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगी तो इस तरह से ये जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी ये रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट सॉल्यूशन इनका अलग जो है दूसरी मेटल के साथ बन जाता है तो ये हमने मेटल्स की रिएक्टिविटी डिफरेंट तरह के किस तरह से केमिकल रिएक्टिविटी शो करती हैं वो देखा है अब हम देख रहे हैं ऑन दिस बेसिस ऑफ डिफरेंट रिएक्शन वी अरेंज द मेटल इन देयर रिएक्टिविटी है ना और ये जो सीरीज कहलाती है ये रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज कहलाती है है ना डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट हमने जब अलग अलग करे तो हमें पता लगा कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी कम रिएक्टिव है तो उसके बेसिस पे हमने मेटल्स को अरेंज किया तो सबसे पहले हमने देखा मोस्ट रिएक्टिव है पोटेशियम देन द सोडियम फिर कैल्शियम है मैग्नीशियम है एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड, हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर एंड गोल्ड तो दीज मेटल और अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी सीरीज हमने इन मेटल को किस बेसिस पे अरेंज कर दिया इनकी रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे अरेंज कर दिया है कि किस तरह से कोई भी मेटल रिएक्ट करती है तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न करनी है और इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप इसे ध्यान से देखिए कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट कर के पूछ सकते हैं एक बार बुक जरूर रीड करिएगा कीप स्टडी कीप वॉचिंग थैंक यू सो